だろうか。नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति चलती रहती है, बयान चलते रहते हैं, व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, उद्घाटन चलते रहते हैं, शिलान्यास चलते रहते हैं। भाई आजकल राजनीति हो ही ऐसी गई है। यहां पर पहले ना किसी कामगार को नियुक्ति पत्र दिया जाता था, ना ऐसी व्यवस्था लागू थी, पर अब तो छोटी छोटी नियुक्ति भी सरकार के बड़े बड़े नामों के द्वारा दी जाती है। चर्चा में बने रहिए और जनता को दिखाते रहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। खैर, ऐसी कभी पटकथा हमारे देश में रही नहीं है। बड़े नामों को जरूर पुरस्कार दिए जाते थे, बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते थे, पर नियुक्ति पत्र जैसी बातें यहाँ पर नहीं होती। पर ठीक है, अब नया व्यवस्था है, नई सदी है, नई जनरेशन है और नई व्यवस्था के तहत यहाँ पर सबको अपना अपना व्यवस्थित तरीके सरकार चलाने के लिए स्वतंत्रता है। यहाँ बात हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है नए संसद भवन की। अगर पुराने संसद भवन की बात करें तो उस समय व्यवस्थाएं दूसरी थी। 1927 में, 18 जनवरी 1927 में नए पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। उस समय किया था क्योंकि हमारा देश उस समय स्वतंत्र नहीं था, तो उस समय के लॉर्ड इरविन ने उसका वायसराय थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। 6 साल बना था और महज 83 लाख रुपये से उसकी शुरुआत हुई थी। पर जो नया संसद भवन है, इसका उद्घाटन 28 मई को होना है और उद्घाटन पहले ही हाय तौबा शुरू हो चुकी है। कारण क्या है हाय तौबा की? क्योंकि यहां पर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि देश का संसद भवन है, पार्लियामेंट है, जहां से देश की नींव रखी जाती है, कानून रखे जाते हैं, बिल पास किए जाते हैं, व्यवस्थाओं को समझा जाता है और देश चलाया जाता है। अगर वहां पर उद्घाटन हो रहा है तो उद्घाटन देश के प्रथम नागरिक के द्वारा होना चाहिए, यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू, प्रथम नागरिक वो जो देश में सबसे पहले है, प्रधानमंत्री बाद में है। पर यहां पर जब या उनके द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन की बात कही जा रही है, तो इस पर हाय तौबा शुरू हो गई है। और हाय तौबा का स्तर इतना कि 19 दलों ने यहां पर बायकॉट कर दिया है कि वो उद्घाटन में नहीं जाएंगे, जिसमें TMC, आम आदमी पार्टी, AIMIM, माकपा, भाकपा समेत लगभग 19 दल शामिल हैं। कहना यह है कि उद्घाटन में हम क्यों जाएं? यहां पर किसी पद के साथ जो सम्मान उसका निर्वाह नहीं किया जा रहा है। ना ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बुलाया गया और ना ही वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया। और कहीं ना कहीं ये देश के सर्वोच्च नागरिक के साथ, प्रथम नागरिक के साथ अपमान की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में जो 19 दल हैं वो शामिल होने नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बायकॉट कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। चर्चा विषय तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संसद का उद्घाटन हो रहा है तो प्रथम नागरिक को बुलावा भी जरूर होना, पर चूंकि व्यवस्थाएं कुछ दूसरी है, यहाँ पर जो चीजें हमने देखी हैं वो नई है भारतीय लोकतंत्र में। यहाँ पर किसी महापुरुष के नाम पर बना हुआ स्टेडियम को अपने नाम पर भी करा लिया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जिंदा रहते मूर्ति भी अलग जाती है। तो फिलहाल भारतीय राजनीति में इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती है। किसी पे कटाक्ष और आरोप करना मेरे डिबेट का मकसद नहीं है, पर मेरी डिबेट का मकसद ये है कि यहाँ पर समाधान निकलना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर आप कुछ बयान सुनिए, जब तक आगे बढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। देश के लोगों के सवाल है कि माननीय महामहिम देश के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ऊपर होते हैं, दोनों के अध्यक्ष होते हैं, तो आखिर नई संसद जिसको देश का लोकतंत्र का मंदिर हम सभी मानते हैं उसका उद्घाटन उनके हाथ से क्यों नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री तो मात्र लोकसभा के सदस्य होते हैं और पक्ष के नेता होते हैं, क्या ये शोभा नहीं देता उनको कि एक देश के सबसे वंचित शोषित आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी यदि देश के नए लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करती तो पूरे विश्व में एक संदेश जाता। प्रधानमंत्री जी विदेशों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन खुद ही संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करते, ना ही वो संसदीय मर्यादाओं का पालन करते। संसदीय व्यवस्था में देश का राष्ट्रपति ही लोकसभा और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जब लोकसभा के सत्र की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती, सत्रावसान भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। प्रधानमंत्री जी कम से कम देश के नए लोकतंत्र के मंदिर में लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय मर्यादाओं का पालन करिए, पश्चाताप करिए, अभी भी मौका है, देश की महामहिम राष्ट्रपति से उद्घाटन कराइए। राष्ट्रीय लोकदल इसका बहिष्कार करेगा, राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ ही हम लोग रहेंगे और जो प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं इसका उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अगर कराया जाता तो सारे लोग इसमें शामिल होते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे और राष्ट्रपति को इसमें उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, लिहाजा हम लोग इसका बहिष्कार। केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि बीजेपी के लोग संविधान की मूल आत्मा को मार रहे हैं, न लोकतंत्र मान रहे हैं, न लोकतांत्रिक नियमों को मान रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, पिछड़े दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। जो बीजेपी के लोग सारे संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं, देश के पैसे को निजी हाथों में दे रहे हो, सौंप रहे हो, चुनाव में धांधली कर रहे हो, चुनी हुई सरकारों को प्रशासन के द्वारा गिरा करके अपनी सरकार बना रहे हो, जिस बीजेपी को संविधान पर, लोकतांत्रिक नियमों पर भरोसा नहीं है, उनके नेताओं के द्वारा किए जा रहे संसद भवन में समाजवादी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। तो 28 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार हुई 1200 करोड़ से बनी बिल्डिंग यानी नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है और ये हो रहा है वीर सावरकर की जयंती के दिन। इस पर भी हायतौबा मची हुई है कि तमाम बड़े नाम, तमाम महापुरुष, उनकी जयंती पर उद्घाटन क्यों नहीं किया गया, बल्कि हिंदू विचारक सावरकर की जयंती पर उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। बायकॉट किया है सपा समेत तमाम बड़ा दलों ने और स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग इस उद्घाटन में शामिल नहीं होंगे क्योंकि अपमान देश के सर्वोच्च नागरिक का, प्रथम नागरिक का है और जिसको लेकर बीजेपी फूले नहीं समाती थी, बताती थी एक आदिवासी वर्ग की महिला को हमने सबसे ऊंची कुर्सी बैठाला है और ऐसा देश पहली बार हुआ है। खैर चर्चा जरूरी है और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूँ, प्रवक्ता भाजपा से शमसी आजाद अपनी बात रखेंगे, नेता सपा से इखलाक अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता जेडीयू से कुंवर अजय सिंह अपनी बात रखेंगे, दयाराम भार्गव भाई सुभाषपा से अपनी बात रखेंगे और आम आदमी पार्टी उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता विनय पटेल अपनी बात रखेंगे और बड़े पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा शमसी आजाद से। शमसी भाई, अरे भाई क्या दिक्कत है, अब आप लोग कहेंगे क्योंकि आपके तमाम नेताओं के बयान भी आ गए हैं, ये भी कह दिया है कि जब 1975 में इंदिरा गांधी संसद एनेक्सी का उद्घाटन कर सकती हैं, 1987 में राजीव गांधी संसद पुस्तकालय का उद्घाटन कर सकते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते, ये तो बयान आपके नेताओं के द्वारा दिए गए हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि फिलहाल ये मामला उठा हुआ है, इस पर बयान आरोप चल रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस बयान के चलते विपक्ष लामबंद हो गया, नुकसान ना हो जाए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल का और पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई अच्छा काम करने जाती है, अच्छा,
तो विपक्ष है तौबा शोर गुल और मुद्दा ये सब बनाने का काम करती है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब न करे तो वजूद ख़त्म हो जाए, उनकी पार्टी का वर्चस्व जो थोड़ी बहुत जगह बचा हुआ है, कार्यकर्ता जो गिनतियों पर उंगलियों पर बचे हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए ये लोग मुद्दा बनाकर और दिखाना चाह रहे हैं कि एक ताकत जो है वो सरकार के खिलाफ किस तरीके से है। बिल्कुल साफ चेहरा दिख गया कि जो देश के खिलाफ हैं, राजनीतिक जो साफ सफाई चल रही है उसके खिलाफ हैं, जो अमन चैन हिंदुस्तान में चल रहा है उसके खिलाफ हैं, जो विकास आगे बढ़ रहा है उसके खिलाफ हैं, देश जो आज नंबर वन होने जा रहा है उसके खिलाफ है, जो अमन चैन बना हुआ उसके खिलाफ है, हिंदू मुस्लिम एकता है उसके खिलाफ है, और नई संसद का जो उद्घाटन किया जा रहा है जिसमें 862 करोड़ की लागत से बनाया हुआ है, जो करीब 17,000 स्क्वायर फीट पुराने वाले संसद भवन से बड़ा भी है, कैपेसिटी भी इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले परिसीमन में हो सकता हो कि सांसदों की संख्या 533 के पार हो जाए लोकसभा में और 330 के करीब राज्यसभा में हो जाए, तो उसी हिसाब से इसको जो बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो उसकी तारीफ करने के बजाय अब तारीफ तो कर नहीं सकते, प्रशंसा कर नहीं सकते, तो ले दे के बुराई, ले दे के आलोचना, ले दे के मुद्दा बनाना, ले दे के विपक्ष का बायकाट करना, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का एक समझ लीजिए कि चुनाव के पहले एक अपना उनका शक्ति मंथन है कि हम देखें इसका विरोध करके क्या कर पाते हैं। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न शुरू से दबाव में राजनीति की है और न अब करेगी। उन्होंने न्योता भेजा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट सबकी है, और मैं इनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर ये जीतेंगे तो 2024 में क्या इसी लोकसभा में ये जाएंगे, ये जो बना हुआ है संसद भवन पार्लियामेंट हाउस बना हुआ है, क्या ये उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि जो लोग आज उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, जो लोग उसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, एक टीम बना के गठन करके कि दिखाना चाहते हैं कि देश के खिलाफ है, और ये पुरानी संसद भाई 100 साल पुरानी हो चुकी है, और उसका बनावट कुछ इस तरीके से था कि आपने देखा था कि पिछली सरकार थी हमारी, जरूर उसमें भी जो है बाहरी ताकतों ने किस तरीके से मैं पूरी बात हमारी हो जाने चाहिए, तो ये है कि उसका जो है पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं थी। अब जो नई बिल्डिंग बनी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी भी हमले को झेलने में वो सुरक्षित है, यहाँ तक कि भूकंप भी अगर तगड़े से तगड़ा है, लगभग 8 रिएक्टर का अगर उसमें भूकंप आता है उसको भी जो है ये बिल्डिंग झेलने में सक्षम है। तो इस तरीके की बिल्डिंग बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाया है, उसको जो है अगर उसका विपक्ष विरोध कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत जायज है। ये पूरी तरीके से इसका खंडन करना चाहिए, और सभी जो विरोध कर रहे हैं उनको जो है पूरी तरीके से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में संसद का उद्घाटन है, हमारी पार्टी ने उनको भेजा है, निमंत्रण भेजा है, सम्मान पूर्वक। तो ये कह रहा है कि आपने राष्ट्रपति का अपमान किया। नहीं, राष्ट्रपति का अपमान कहीं से नहीं हुआ, कहीं से भी नहीं हुआ है। अगर प्रधानमंत्री भी कोई छोटा पद नहीं होता, प्रधानमंत्री अगर लोकसभा प्रधानमंत्री भी अगर मेहमान तो रहेंगे ही, ऐसा नहीं कि मेहमान नहीं रहेंगे वो। अच्छा, अभी आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेहमान है कि नहीं? आपने लिस्ट देखी नहीं होगी मेहमानों की? हमें भेजी नहीं गई ना। हाँ, तो हो सकता है कि मेहमान बनाया जाए, ऐसा नहीं कि उनको अनदेखा किया जाएगा, अभी भी कंफर्म नहीं है। नहीं, हमको नहीं पता है ना भाई, हम अभी कैसे दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी ने अगर उनको प्रधान राष्ट्रपति बनाया, देश का प्रथम नागरिक बनाया है, तो उनके सम्मान में कहीं से भी कमी नहीं है। बहरहाल, अभी जो आने वाली 28 तारीख है उसको जो उद्घाटन होने जा रहा है, ऐतिहासिक पल है, मोदी जी के द्वारा इस नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन होगा, देश के एक और गौरव में इसका नाम लिखा जाएगा, देश के इतिहास में एक और गौरव। आपने नुकसान देना हो जाए, ठीक है, हमारे लिए कोई नुकसान देना नहीं होगा सर। अच्छा, नहीं होगा। विपक्ष इसके पहले भी लामबंद रही, इसके पहले भी चुनाव आपने देखा कि 28 पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ी है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी रहती है, जनता के जुड़े हुए मुद्दों से जुड़ी रहती है, इसलिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त। देश की प्रथम नागरिक सम्मान होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद 1 लाख, ये कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप लोग कितना भी यहाँ पर लामबंदी कर लीजिए, और आप अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो आप बोलते वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और आपने वैक्सीन भी लगवाई। अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं तो सकता संसद भवन में ना जाए, पर जाएंगे भी जरूर, तो बहिष्कार किस बात का भाई? अगर हो रहा है तो होने दीजिए, शामिल हो जाइए, वहाँ पर भी आप भी जाइए, देखिए व्यवस्थाओं को, हो सकता बुला लिया जाए, समझे भाई बोले, हो सकता बुला लिया जाए, क्या दिक्कत है भाई? गौरव भाई जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, आपके टीवी चैनल का जी। एक छोटी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए लोकतंत्र की हत्या करने में तो कभी पीछे नहीं रहती। अच्छा, तो उसके लिए कोई नई बड़ी बात नहीं है कि महामहिम जी को नहीं बुलाया, उनको तो उनसे उद्घाटन नहीं कराएंगे, इनको तो जो ठीक लगता है ये वो करते हैं, इनके हिसाब से इनको तो किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। अच्छा। और ठीक है, अब नहीं बुलाया तो इसका परिणाम ये खुद देखेंगे। अच्छा। हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बायकॉट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था, वो उद्घाटन करती, वो प्रथम है। अच्छा। वो उद्घाटन करती, सब लोग जाते, ठीक है, अगर हमारे देश में कोई चीज आ रही है तो हम लोग को उसको स्वागत करना चाहिए, मगर क्या उसको अपने सरे आप ले लेंगे?
क्या वो जिंदगी भर आप वहां रहेंगे? अच्छा। अरे वहां के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं उनको बुलाना चाहिए था उद्घाटन के लिए, क्यों नहीं बुलाया आपने? अभी हमारे भाई कह रहे थे बड़ी बातें चीते हो रही थी, सुन रहा था मैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक कर दे रहे हैं, हम ये कर दे रहे हैं, हम वो कर दे रहे हैं। 9 साल हो रहे हैं आपकी सरकार को, काम बताइए आपने क्या किया है, तब तो विपक्ष आपका सपोर्ट करेगा। अच्छा। है आप कह रहे हैं कि जितने काम होते जनता के हित में उतने, पहले तो नोटबंदी करी 1500 के बंद किए, वो जनता कितने हित में था, कितने लोग ने अपनी जान दी, कितने लोग बेरोजगार हुए, वो सब आपको पता है। अब जो किया 2000 के नोट बंद कर दी, अब जनता को क्यों क्या ये सहूलियत दे रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा। ये देखिए बिना सोचे समझे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो असल मुद्दे हैं, जो इस देश में मुद्दे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न अत्याचार हैं, उस मुद्दे को भटकाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। अच्छा। गरीबी कितनी बड़ी, ये कहते हैं कोई भुखमरी का शिकार नहीं हो रहा। अरे भैया आप हमारे दूध दही, घर पे जो दूध दही जाता है बच्चों को, उस पर GST लगा देते हो, अब आप कहते हो भुखमरी का शिकार नहीं हो रहा है। दाल के रेट कहाँ है, सरसों के रेट कहाँ है, जो भी चीजें आप देख लीजिए, जमीन आसमान छू रहे हैं सब चीजें। अब वो जब महंगाई नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ेगी तो क्या भुखमरी हमारे देश में नहीं आएगी? उस पर ये बात नहीं करेंगे। रोजगार कैसे दिए जाए उस पर बात नहीं करेंगे। 2 करोड़ का रोजगार आप लोगों ने कर दिया, नहीं जाएंगे क्या आगे की रणनीति क्या है इखलाक भाई? देखिए 2 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने कही, गौरव भाई उस पर भी इन्होंने चुप है एकदम। अब तक तो मिल जाने चाहिए सबको रोजगार। हम मुद्दे पे, ये असल मुद्दे हैं देश के। किसानों के आय दोगुनी करने की बात करी, किसानों कुचल दिया अपनी गाड़ियों से, बायकॉट हमने किया। अब आने वाला समय बताएगा उसमें क्या करना है। आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उन्होंने कहा था जिस दिन इस उत्तर प्रदेश और देश के सब गरीबों को लग जाएगी उस दिन मैं लगवा लूंगा जाके। ये बात भी अखिलेश यादव साहब ने कही थी, मगर ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं सुनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव साहब या समाजवादी पार्टी नहीं, बिल्कुल बोला बीजेपी की वैक्सीन, मैं कहता हूँ बीजेपी की वैक्सीन। अब आप कोई चीज अगर दें तो मुझे, ये गौरव भाई, गौरव भाई अगर आप कोई चीज मुझे देते हैं, एक ग्लास पानी भी देते हैं, तो पानी पानी पिलाने के नियत से देंगे ना। ये तो नहीं कि अपनी और अपनी पूरी टीम की फोटो लगा के देंगे। इससे देश में पहले भी इस तरीके की चीजें हुई हैं, डेंगू आए और पोलियो जैसी चीजें आई, मगर जो सरकारें नहीं, उन्होंने कभी अपना प्रचार नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लेवल होता है, जो राजनीति में कैसे प्रचार प्रसार कर सके वो कर सके। लैपटॉप में फोटो लगी थी, लैपटॉप हमने दिया था चीजों को करने के लिए, जो गरीब बच्चे हैं जो पास हुए थे पढ़ के बैठे थे हमने दिया था, ये शुरू हमने किया। वैक्सीन देखिए, वैक्सीन और लैपटॉप में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है गौरव भाई। नहीं नहीं, लैपटॉप लैपटॉप जो बच्चों को आगे पढ़ने में कैसे मददगार हो उसमें दी गई, और वैक्सीन जान बचा रहा वो महत्व नहीं। वैक्सीन जो दी गई थी वो एक एक गरीब एक एक घर तक पहुंच जानी चाहिए थी। तो हमने आपसे पहले भी कहा कि अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि जिस दिन एक गरीब को लग जाएगी, जिस दिन उत्तर प्रदेश जिस दिन सबको लग जाएगी उस दिन वो लगवा लेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। अजय सिंह, जनता दल यूनाइटेड। अजय भाई बहिष्कार आप भी कर दिए हैं क्या? पहले तो यहाँ पर प्रेम था, आप एकला चलो की नीति पे है, आप एकला चलो की नीति पे है, और पहले अलगाव, अलगाव फिर मोहब्बत, और मोहब्बत के बाद फिर अब नफरत, और आपने यहाँ पर बायकॉट भी कर दिया है। अब ऐसा ना हो बिहार चुनाव के पहले फिर यहाँ पर मोहब्बत शुरू हो जाए। खैर भविष्य कोई देख के नहीं आया है, कोई कहाँ भी पलट सकता है, पर किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को, और क्या आपकी रणनीति है आने वाले समय में 28 मई को लेकर? जी जी जी, ये किसी प्रधानमंत्री का या किसी व्यक्ति विशेष के घर का गृह प्रवेश नहीं होने जा रहा। अच्छा, वो भारतीय संविधान का, ये भारतीय संविधान का धारा 52 कहता है कि भारत का सर्वोसर्वा राष्ट्रपति जी, और धारा 74 में राष्ट्रपति के कामों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए जी, भारत में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा जी। अब आप देश की जनता ये समझ गई है इनकी चाल चरित्र और चेहरा। अच्छा, ये पहले तो पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगाते रहे। अच्छा, अब देश के संवैधानिक संस्थाओं को बेचना और किनारे लगाना शुरू कर दिया, और ये लोग हमारे जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता भाई कह रहे थे कि ये लोग क्या संसद में नहीं बैठेंगे, अरे बैठेंगे। जिस संसद का आप उद्घाटन करने जा रहे हो आप उसमें दोबारा नहीं बैठ पाओगे। अच्छा, आपकी सत्ता आने वाली नहीं है। लीजिए देखिए, ये देश के ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर राजा बनने जा रहा है, इसको राज दंड दिया जाएगा।
अच्छा। अरे ये पीएम जो मन की बात करता है, इस बहुरूपीय को देश की जनता के सामने इसका पूरा पोल खुलना चाहिए। ये बहुरूपीय किसको बोलना है भाई? राजदंड दिया जाए। अरे बहुरूपीय किसको बोलना है भाई? हम भारत के हाँ। भारत के जो सत्ताधारी दल के हाँ। प्रधानमंत्री है जो, अरे देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी प्रधानमंत्री नहीं है भाई। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है। मैं भारत के प्रधानमंत्री को, उस प्रधानमंत्री को कहने जा रहा हूँ अच्छा। जो कभी अपने को बहुरूपिया है वो, कभी चौकीदार अच्छा करके बहुरूपिया बने हुए प्रधानमंत्री को अच्छा। हम कहने जा रहे हैं कि तुम देश की संसद की गरिमा को आपने विश्व के सामने निंदनीय कर दिया अच्छा। आपने शर्मसार कर दिया देश को अच्छा। देश की अगर तुम्हें उद्घाटन ही कराना है तो समाज का, देश का प्रथम व्यक्ति या समाज का अंतिम व्यक्ति, इस तरीके से आप सफाई कर्मियों का चरण पूजते हो। किसी सफाई कर्मी से क्यों नहीं करा रहे उद्घाटन उसका अच्छा। किसी मजदूर से क्यों नहीं करा रहे उद्घाटन उसका अच्छा। या देश का सर्वोच्च नागरिक जो है, देश का प्रथम व्यक्ति महामहिम जो राष्ट्रपति है, उनसे आप क्यों नहीं करा रहे हो कि मोदी जी के घर का उद्घाटन नहीं होने वाला है अच्छा। गौरव भाई जी, देश की जनता ये समझ रही है जी, इनका चाल चरित्र और चेहरा ये राजपथ से ऊपर अपने आप को दर्शाना चाहते हैं अच्छा। ये हाथ में राज दंड लेकर के अच्छा राजा बनना चाहते हैं, राजशाही सत्ता में अच्छा, ये देश का सर्वोच्च राजा बनना चाहते हैं अच्छा। अरे देश को क्या दिखाना चाहते हो अच्छा, आप क्या बता अच्छा, ये चीजें आपको एक साथ पर नजर नहीं आ रही थी क्या? संवैधानिक संस्थाओं का आप कितना अपमान करोगे जी? आप संवैधानिक, अजय भाई मेरा सवाल ले लीजिए। अजय भाई मेरा सवाल ले लीजिए। सारी खामियां आपने गिना दी, बहुत अच्छी बात है। बहुरूपिया बोला, तमाम चीजें बोली, तो सारे गुण और सारे अवगुण और सारी अच्छाई है, सारी बुराई है। ये तानाशाही आपको कुछ समय पहले नजर नहीं आ रही थी क्या, जब गठबंधन करके बैठे हुए थे बीजेपी के साथ? भूल गए थे क्या जी? अब कुछ नजर आ रही है और आ रही थी और भविष्य में भी आएगी अच्छा। लेकिन आप जब किसी के साथ रहते, मैं तो पूछ रही ऐसे, मुझे थोड़ा लगा तो आपकी अच्छाइयां जब हमें दिखती है आपके साथ रहते हैं अच्छा। और जब साथ होने के बाद आपकी बुराइयां दिखने लगती है चलिए, तो उसका हम विरोध करते हैं। चल ठीक है। ये महादुष्कर्म है, अन्यायास अपने बंध को भी दंड देना धर्म है। ठीक है, देश की तानाशाह सत्ता को ठीक है। आप भी यहाँ पर मुखर रूप से इस बात के लिए कह रहे हैं और आपके ट्वीट भी आए हैं और आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोध भी किया है। आपके सांसद भी संजय सिंह लगातार इस बात को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। क्या राय है और क्या रणनीति रहने वाली है 28 मई और उसके बाद? गौरव जी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए जी। गौरव जी देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस समय इस देश में जो तानाशाह की सरकार चल रही है अच्छा, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले आपने रामनाथ गोविंद जी जब इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति थे उस समय भी आपने देखा अयोध्या में बन रहे प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में के शिलान्यास के वक्त उनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित समाज से आते थे, और उस समय के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को वहां बैठाया गया जहां दूल्हे का ड्राइवर बैठा टेंट के बाहर। और इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। आज इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अच्छा। और उद्घाटन में इस देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय बुलाया जा रहा है। हाँ ठीक आप फोन की बात अच्छा, और नहीं जा रहा था क्या? मुझे तो दूसरे से भेजना था ना जी। चिल्ला चिल्ला कर ये वोट मांगती रही जी कि हमने एक एसटी समाज के महिला को महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है जी, उसको इस भवन के निर्माण में शर्म आ रही जी। और ये सब कौन सा व्यक्ति कर रहा है जी? ये सब वो व्यक्ति, वही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जी, जो 2002 के पहले उनके समाज और उनके लोग कौन जाते थे, बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा खेल खेल जा रहा है। आप देखा अभी से पहले 79,000 शिक्षकों के आरक्षण की
नेता की तरफ से कोई सवाल नहीं उठाया गया, वहाँ पे आरक्षण खाया गया, 27% आरक्षण घटा के 9% कर दिया गया। अभी आपने देखा यूपीएससी के द्वारा एक 16 मई को एक निकलता है वैकेंसी, उसमें 8.5% आरक्षण ओबीसी को दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप ओबीसी और एससी और एसटी के इतने बड़े विरोधी हैं, तो फिर आपको उनके नाम पे वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आते हैं, कहते हैं मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। अगर आप पिछड़ों के बेटा होते मान्यवर, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने उत्तर प्रदेश के 69,000 ओबीसी समाज के लोगों का आरक्षण खाया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने यूपीएससी के तहत अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें आरक्षण खाने का काम किया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रभु रामचंद्र जी का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उस मंदिर में पूरे देश के लोगों ने चंदा दिया, योगदान दिया। उस मंदिर में क्या जो ट्रस्ट बना है उस मंदिर के नाम पर, उस ट्रस्ट में 15 सदस्यीय लोग हैं, उस 15 लोगों में क्या एक भी नाम ओबीसी और एससी समाज का है? मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर उस ट्रस्ट में एक भी नाम नहीं है, तो आप क्यों पिछड़े के नाम पर गाथा गाते रहते हैं? और आप अगर इतने बड़े नेता हैं, आप राष्ट्रपति को कुछ नहीं समझते? इस देश में आपातकाल की स्थिति चल रही है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा हिंदुस्तान के सारे विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा, और इसलिए पूरी जनता को एक होना पड़ेगा। जिस प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानते हैं, ये राष्ट्रपति को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और माफी वाले सरकार को मानते हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली में जिस प्रकार से अध्यादेश लाकर वहाँ के पोस्टिंग और ट्रांसफर के मैटर को बदला गया, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से तानाशाही की सरकार चल रही है। आने वाले समय में अहंकार तो हिटलर का नहीं चला, अहंकार तो रावण को नहीं चला, ये तो मोदी जी हैं, इनका भी अहंकार टूटेगा और हिंदुस्तान की जनता इनको जवाब देगी। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र, और मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ। आप बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटा था, मैं उस पर भी एक चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सच के साथ रहता हूँ। अगर फोटो लगाने की बात, अगर अखिलेश यादव 20,000 के लैपटॉप पे फोटो लगा सकते हैं, आप बताइए 5 किलो राशन दे रहे हैं उसपे मोदी जी का जितने में फोटो की छपाई आ गई उससे कम दाम उस राशन कार्ड का, उस 5 किलो राशन का होगा? इन लोगों को इतनी तमीज नहीं है, इतनी शर्म नहीं बची है कि जितने का राशन है उससे ज्यादा तो फोटो लगाने का दिया जा रहा है? तो यहाँ पे लैपटॉप के फोटो का कोई जिक्र नहीं। मान्यवर, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी के मित्र से पूछिए कि जो 5 मैंने भाई मैंने फोटो की बात कही थी, मैंने कहा परिपाटी आप लोग शुरू कराए हो, सुन लीजिए मेरे भाई, मेरा 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 कहना है, नहीं मेरा कहना गलत वाली बात है। अगर शुरुआत आप करोगे तो आपको उसके लिए बोलने का अधिकार नहीं है। विनय पटेल सुन लीजिए, अगर आप किसी पे आरोप लगाएंगे तो उससे पहले अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, अगर आप किसी पे आरोप लगाओगे, अगर आप बोलोगे वैक्सीन आप अपनी फोटो लगा के बेच रहे हैं, अगर राशन आप अपनी फोटो लगा के बेच रहे हैं, ये गलत है। मैं इस व्यवस्था का यहाँ पर विरोध करता हूँ। और यहाँ पर तो इन्होंने भी वही किया, तो जब आप अगर आम आदमी पार्टी नहीं करेगी तो विरोध कर सकती है, पर अगर आप किसी के चीज को करके बैठे हैं तो आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है। किसी पे आरोप लगाने पहले अपनी गिरवान भी झाकिए कि आप भी वही व्यवस्था करके बैठे हुए हैं। जी आपकी बात से सहमत हूं, तो आप अपनी बता दीजिए सहमत आप करेंगे, आप भी बताइए। विनय पटेल भाई आप बता लीजिए, नहीं अगर मैं बोरी पर सुन लीजिए, ये प्राइम डिबेट है, अगर मैं बोरी पर फोटो की बात करूंगा तो भी मैं विरोध करूंगा, अगर मैं वैक्सीनेशन के साथ किसी पार्टी के नाम की बात करूंगा तब भी विरोध करूंगा, और अगर लैपटॉप पे फोटो जाएगी उसका विरोध करूंगा, और मैं विरोध करने के लिए बैठा हूँ। ये हमारा चैनल है, जो गलत होता है उससे गलत में बात कहूंगा, ठीक है? जयराम भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि जो मैं उनसे पूछूंगा ठीक है, वो जवाब देंगे, ठीक है? वो गलत किए हैं, मैं तो खुद बोलूंगा, ये नहीं होना चाहिए, राशन व्यवस्था में फोटो नहीं जानी चाहिए। और मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, बोलिए जल्दी बोलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी और एसटी को हिंदू नहीं मानती है जी, तो आप मुझे बताइए उस राम मंदिर
प्रभु श्री राम अब जरा समझे आजाद देंगे, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास जवाब नहीं है, मुझे पता कौन कितना किसको मानता है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सदन बन रहा है, देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है, उस पे एक राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है ठीक है ठीक है, दलित है, आपने आपने विरोध कर दिया। ठीक है विनय भाई, हो गया विनय भाई, हो गया। जनता पार्टी के प्रवक्ता चले, मांगूंगा अभी मांगूंगा, वही देने बैठे हैं, उनको सबका जवाब देना है, लेकिन वो बताए कि उन्हें सबका जवाब देना है। ठीक है विनय भाई, हो गया हो गया हो गया, उनको सबका जवाब देना। ठीक है दयाराम भाई, सब सुन लिया आपने, कोई अपनी राय भी दे दीजिए। हालांकि बायकॉट का कुछ अभी आया नहीं आपकी तरफ से, आप बायकॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह देखते हैं इस व्यवस्थाओं को और किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर निमंत्रण जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ शुरुआत हम लोग करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर कुछ टूटी हुई है उसको बेहतर है। पर यहाँ पर चूंकि कहा जा रहा है कि पहले भी तमाम भवनों का उद्घाटन हुआ है, उसमें जरूरत जरूरी नहीं है कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाए, तमाम नेताओं का बयान भी आया। दयाराम भार्गव, आपकी क्या राय है? देखिए सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को मैं नमस्कार करता हूँ, और गौरव भाई आपका प्राइम डिबेट है जी, बड़ा सटीक आपका प्रश्न रहता है, उत्तर भी बड़ा वाजिब होना चाहिए जी। उत्तर प्रदेश ये नहीं, पूरे देश की बात आज चल रही है जी, विभिन्न राजनीतिक दलों ने जी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो जायज है। आप याद करिए महामहिम द्रौपदी जी का, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम लेके चेहरा लेके आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार के प्रचारक हो गए थे, पोस्टर वाले प्रचारक। बिल्कुल, कि भाई आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है, दलित महिला है। बिल्कुल, और देखिए हम सम्मान करते हैं, हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे समाजवादी के साथ, लेकिन चूंकि देश की पहली प्रथम नागरिक और साथ में दलित महिला आदिवासी के साथ चुनाव था, इसलिए स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी ने अपना मत महामहिम राष्ट्रपति को दिया। बिल्कुल दिया, हम इसलिए अस्वस्थ थे कि बुराई बुराई भी बोल ले लिया, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको ला रही है तो स्वागत योग्य सभी पार्टियों को करना चाहिए जी। आज हमारे चाहे सपा के साथी हो, बसपा जो हमारे बैठे साथी हैं, आपके आम आदमी पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं ना, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव था इन लोगों ने वोटिंग नहीं किया था, उससे अलग हो गए। दूसरी बात जी, दूसरी बात, संसद का उद्घाटन, ये बात सही है कि अगर देश की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला जो बनाई गई है, उनके नेतृत्व में अगर ये उद्घाटन होता तो देश के सर्वाधिक जो अति दलित है जी, और दलितों में अति दलित है, और साथ में जो हमारे अनुसूचित जाति यानी जनजाति जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको एक गौरव महसूस होता कि कम से कम मेरे समाज से, अंतिम पायदान से जो बिल्कुल वंचित समाज है, अच्छा। उस व्यक्ति के द्वारा देश के संसद यानी देश का मंदिर है वो जी, वो देश का मंदिर है जी, वो धर्म का मंदिर नहीं है, वो संविधान का मंदिर है, वो डॉक्टर भीमराव बनाए हुए संविधान का मंदिर है, उसका उद्घाटन अगर देश की राष्ट्रपति करती तो उसका गौरव, उसका अनुसरण आदिकाल तक एक समय जाता जी। और सबसे अच्छी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे खो जाती है, इवेंट नहीं बना पा रही है, अच्छा इसको भी इसमें भी इसमें दो चश्मे लगा दिया है। 28 तारीख को जो क्या नाम आप देख ही रहे हैं, आपके सावरकर जी का शायद जो भी है जन्मदिन है, वो दिन चुना गया है। आप देश को, अभी देश के प्रधानमंत्री विदेश में गए थे, अच्छा जापान में गए थे, वहां पे महात्मा गांधी जी के मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां नमन करके आए, वहां ये दर्शाता है देश में राष्ट्र महात्मा गांधी का जो विचारधारा है वो देश में नहीं विदेशों में भी डंका बजता है। बिल्कुल है, आप जब जाते हैं तो वहां सावरकर की बात नहीं करते, वहां आरएसएस की बात नहीं होती है, अच्छा वहां अगर बात होती है तो महात्मा गांधी की बात होती है, वहां बात होती है तो डॉक्टर भीमराव बनाए हुए संविधान की बात होती है, हम चर्चा करते हैं इसलिए कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सब उस संविधान को मानते हुए, अच्छा। ये हमारा भारत देश बना था, अच्छा। और संविधान के तहत
चाहे कोई सांसद हो विधायक हो, जब शपथ लेता है तो भारतीय संविधान की शपथ लेके बैठता है, किसी और की शपथ लेके नहीं बैठता है। बैठता है। बात आती है देश के पिछड़े समाज को लेकर के। अभी एक हमारे भाई कह रहे थे, स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर बार बार इस चीज की तू किए हैं, हमारी पार्टी पिछले 20 साल से चल रही है, हम बार बार जातिवार जनगणना की बात करते थे, विगत में जब कांग्रेस की सरकार थी नहीं कराई, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करा रही है। अच्छा। सामाजिक न्याय समिति की हम रिपोर्ट की बात करते थे, कोई नहीं करता है। दूसरी बात, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग भारतीय जनता पार्टी कहती है एक निशान, एक संविधान, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं शिक्षा एक अनिवार्य फ्री हो जाए हमारे देश में। चलो ठीक है, हो गया। यानी कि जो प्राइवेट, सुन लीजिए, दूसरी बात हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे भाई ने कहा, अभी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी का 16 मई को चयन हुआ, अच्छा, उसमें जो ओबीसी समाज को पूरे देश में जो 52% है उसको 27% आरक्षण 1993 में मिला। उत्तर प्रदेश में 396 ओबीसी समाज के चयनित होके जाने चाहिए जी। उसमें केवल 139 गए जी। 257 ओबीसी समाज के लोगों को कटौती कर दिया जाता है। ये बड़ा ही दुर्दशा बात है हमारे देश में। अच्छा। और जिस तरह संविधान के दायरे को, आरक्षण के दायरे को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रही है, आने वाला समय और समाज ठीक है भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। सुनील त्रिपाठी, सुनील भाई बता दीजिए थोड़ा सा, आपका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। देखिए गुरु जी, जी संसद भवन का उद्घाटन तो मैं भी मानता हूँ जी, कि देश के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक जी द्रौपदी मुर्मू जी से ही करना चाहिए था जी। अब हम ही घर बनाए और हम ही उसका उद्घाटन करें जी, तो संदेश अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल के प्रवक्ता कह रहे हैं जी, दलितों की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि दलित मुख्यमंत्री के ऊपर प्राणघातक हमला भी हुआ और सौभाग्य से कैसे मायावती जी बची, क्या उस समय दलित प्रेम नहीं था लोगों के दिल में? लीजिए, अगर दलित प्रेम होता गौरव जी, वो दृश्य जब मुझे याद आता है तो रूह मेरी कांप जाती है, जिसके साथ घटना घटित हुई थी उसका क्या हाल होगा जी। और दयाराम जी हमारे आरक्षण बात करते हैं, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ जी, लेकिन कम से कम अगर आप वास्तव में वंचित समाज की बात करते हैं, बैकवर्ड की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, तो दलितों में जो गरीब से गरीब लास्ट श्रेणी में बैठा है उसको आरक्षण फायदा दिलाइए, अगर वास्तव में आप राजनीतिक हैं जी। क्योंकि सबसे दिक्कत उसी व्यक्ति को होती जिसका सोर्स नहीं, सिफारिश नहीं है, जिस पैनल पे आज 70 साल पहले खड़ा था उसी पैनल पे खड़ा है। आप आरक्षण की मांग कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आरक्षण का फायदा उस व्यक्ति को दिलाइए जिसको आवश्यकता है। एक विधायक, एक सांसद और एक आईएएस आईपीएस क्लास 1 अफसर को अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। बिल्कुल। आप देश में आरक्षण के नाम पर ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ में, अगर नहीं कर रहे हैं तो जयराम जी जो आरक्षण समर्थक बैठे, मैं उनसे एक मांग करता हूं कि आप इस राष्ट्रीय चैनल पे कहें कि मैं सबसे नीचे श्रेणी में जो बैठा व्यक्ति है उसको आरक्षण लाभ दिलाने का संकल्प लेता हूं गुरु जी। दूसरी बात गुरु जी, कि अभी जो है हमारे भाई कह रहे थे कि मोदी जी बहु रुपया है, अच्छा जब साथ में रहते हैं तब बहु रुपया दिखाई नहीं पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते। मुझे अफसोस है कि अच्छी बात हो तो हम साथ में हैं जी, खाना पीना हो साथ में हो जी, और उसके बाद आप कहें कि बहु रुपया है वो ये है जी। जिस समय बिहार में सरकार बननी थी जी, उस समय बहु रुपया नहीं थे क्या? बहु रुपया अगर 2002 लोग चर्चा कर रहे हैं जी, जिस बहु रुपया की आप चर्चा, उस बहु रुपया के साथ क्यों खड़े होते हैं आप जी? उसका विरोध कीजिए, हराइए उसको अगर आप में दम है। और गौरव जी मैं कह रहा हूँ कि आगामी चुनाव में भी, देखे पिछली बार भी आपने देखा जी कि सब दल एक साथ लड़े, नुकसान भाजपा को हुआ ऐसा नहीं है जी, लेकिन इस बार भी आप देख लीजिएगा कि अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए कि जनता आपने एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा, हाँ एक सेकंड जनता नहीं छोड़ रही है। अच्छा। आखिर जनता के दिल में आप मानेवर क्यों नहीं उतर रहे हैं? अच्छा। जनता जिसको चाहेगी, कभी इंदिरा जी का दौर भी देखा गया कि एक हाथ पे, कभी मुलायम सिंह का दौर उत्तर प्रदेश देखा गया कि एक हाथ पे कार्यकर्ता खड़ा होता था जी, और आज हाशिए पे आ रहे हैं। आप जनता के बीच जाइए, जनता का दिल जुड़ने का प्रयास कीजिए, सरकार आपकी बन जाएगी। लेकिन टीवी चैनलों पे हर व्यक्ति अपनी समस्या रख रहा गौरव जी, वास्तव में जनता की समस्याओं के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। जनता जहां खड़ी थी आज वहीं खड़ी हुई है, जनता के साथ कोई नहीं। गौरव जी एक
मैं अदर प्रश्न करना चाह रहा हूं कि अभी हमारे एक पत्रकार बंदूक साथ शामली में घटना हुई है जी, जिसमें 100 रुपए के लिए पत्रकार की मौत हो जाती है, उसके पास 100 रुपए नहीं थे और डॉक्टर ने 100 रुपए के लिए उसका इलाज नहीं किया शामली में जी। आज हमारे किसी पार्टी कार्यकर्ताओं ने या पार्टी पदाधिकारियों ने नहीं बोला है, जबकि हम सबके लिए बोलते हैं। अफसोस है इस बात का कि जो सबके साथ खड़ा रहने वाला है उसकी 100 रुपए के लिए मौत हो रही है, कोई पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता नहीं बोल रहा है। केवल लखनऊ जनरल एसोसिएशन में धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उनके लोग शामली में जाकर के थाने में बैठे धरना प्रदर्शन किए और उस नर्सिंग होम के खिलाफ FIR हो रही है। तो आप जब मीडिया जो आप साथ दिन रात लगा रहता है उसके लिए आप हमदर्द नहीं है, जनता के लिए कितने हमदर्द है कि एक ये सपना रहेगा। शमसी आजाद, सबका जवाब आपको देना है, बहुत आरोप आपको लगाया गया, बेरुपया भी बोला गया और जो नीति है आपकी गलत है, आप लोग तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, सभी प्रवक्ता ऐसे ही बोल रहे हैं जी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय इखलाक साहब जी जोश में होश खो बैठते हैं, थोड़ा सा जानकारी का अभाव भी है उनको। अच्छा। अपनी बातों पर वो घिर जाते हैं जी। रही बात जनता दल की, तो जनता दल की बात का जवाब वरिष्ठ पत्रकार हमारे सुनील त्रिपाठी जी ने दिया कि किस तरीके से पहले दोस्ती थी, सब अच्छा लगता था जी। और हमारे भारतीय समाज पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ये भी हमारे मित्र रह चुके हैं, तो ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो बहुत देर के बाद, पहले तो अंधेरे में थे तो हमको लगता था कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब की हालत आजकल कुछ ऐसे ही है कि वहाँ अंधकार रहता, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अंधेरे में था, लेकिन अभी जब चमकता हुआ फोटो लगा तो ये लगा यूपी में ना भी नहीं फोटो लगा तो अब लगा कि यूपी में आ गए हैं। आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सुहेल देव समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी पार्टियां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही हैं। अच्छा। ना इनको जनता से मतलब है, ना जनता के मुद्दों से मतलब है। हाँ। ना इनको देश और देश के संविधान बचाने को लड़ रहे हैं। समाज पार्टी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग की थी आपके टेबल पे 4.25 साल से पड़ा हुआ, लेकिन आप उसको उतारने को तैयार नहीं है। 1468 जो क्या नाम है किताब पंचायत अधिकारी की जो है चयनित हुई है कर दिया। बहुत 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 दिन बहुत दिनों तक आपका साथ रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हैं जब आप सत्ता में नहीं कहते थे ओबीसी समाज को हम जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन आप क्यों नहीं करा रहे। बहुत दिनों तक आप साथ ही रहे हैं, लेकिन तब आपको कोई कमियां नहीं दिखाई देती थी और आपने क्यों भारतीय जनता, हमने आपको सम्मान दिलाया, हमने आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाया और आज भी पूरी तरीके से सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। आप जब भारतीय जनता पार्टी के नहीं हुए तो आप न समाजवादी पार्टी के हो सकते, न जनता के हो सकते। और देखिए ये विरोध जो हो रहा है वही लोग कर रहे हैं जिनको ये पता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में हकीकत यह है कि लोकसभा तक उनको जाना ही नहीं है, तो विरोध करके कम से कम यह रहेगा कि हमने पहले ही विरोध किया था और ना उद्घाटन में गए ना हम जीतने के बाद जाएं, क्योंकि हमको जीतना नहीं है। आपकी बेदला यह है कि आपकी सरकार का जो है बचाव करना चाहेंगे, लेकिन तथ्यों का ध्यान नहीं रखेंगे। लीजिए, मैंने कहा कि 1468 जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का उसमें ओबीसी का जो चयन हुआ उसमें क्यों कम हुआ। मैं यही कहना चाहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को कम से कम निकल के आना चाहिए रोड पे, धरना प्रदर्शन कुछ तो करें, जेल भरो आंदोलन करें, कहीं धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार से लड़ें, हर हाथ में लड्डू जो लेना है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का चरित्र है और ये चरित्र पूरी तरीके से खुल चुका है। धर्मभाई शमसी आजाद बोल रहे हैं, ये चरित्र पूरी तरीके से खुल चुका है, जनता समझ चुकी है ओम प्रकाश राजभर जी का लगाव झुकाव उसी तरफ होता है जिधर उनको पता चलता है कि सत्ता रहती है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनका भी यही रहता है, उनका भी यही रहा है कि जिधर उनको लगता है कि सत्ता रहेगी उधर वो झुक जाते हैं। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी लगा था कि 2022 में हम कुछ कर लेंगे। और अरे अभी मुद्दे पे बात कर ले, अरे मुद्दे पे बात कर ले, मुद्दे पर बात कर ले, ओम प्रकाश जी दया राम भार्गव जी मुद्दे पे बात कर ले, दया राम भार्गव जी मुद्दे पे बात कर ले, देखिए मुद्दे पे बात कर ले, मुद्दे पर मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। और शर्म की बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनता दल है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। हाँ। ये आपे में इतना बड़ा शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है कि जिसके ऊपर जो है इनको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए,
कि एक देश के प्रधानमंत्री को जिसके संरक्षण में इन्होंने सालों साल उत्तर बिहार में राजनीति की है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और उसको जो है अपशब्द कह रहे हैं, आप बहरूपिया कह रहे हैं, आप कतई राजनीतिक आदमी हो ही नहीं सकते। कोई भी राजनीतिक आदमी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आप जो है उनके ऑफिशियल प्रवक्ता भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक प्रवक्ता नहीं कर सकता। जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री जी को बहरूपिया कहा, ये संसद की गरिमा के खिलाफ अपशब्द है ये, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए। जो प्रधानमंत्री है वो देश का भी प्रधानमंत्री है, हमारा नहीं है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। मैं अभी नीतीश कुमार जी के बारे में अगर कुछ अपशब्द कहूँ तो आपको फौरन बुरा लग जाएगा। केवल मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मन की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको सम्मान करना है, प्रधानमंत्री को कार्य करना होगा। जिस तरीके से सब कहें, आप जुमला आलोचना करें, विरोध करें, जो कुछ करें, लेकिन सभ्यता के दायरे में सम्मान के साथ करें, पद की गरिमा को देखते हुए करें। प्रथम नागरिक वो वार्ड का सभासद नहीं है कि जिसको आप रुपया कह देंगे। आदिवासी समाज से देश के प्रथम नागरिक उस समय आप बहुत इतरा रहे थे। कितना दिन हुआ आपको भाजपा से अलग हुए? आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा से अलग हुए कितना दिन हुआ? और ये द्रौपदी मुर्मू के लिए जब समर्थन मांगा जा रहा था, सारी पार्टियां जो आज चिल्ला रही है, यही लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग विपक्ष में हो गए थे, आज जो है वही बात भी भाजपा को याद दिला रहे हैं। जनता अजय भाई सुन लीजिए, अजय भाई सुन लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि जब द्रौपदी मुर्मू के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थन इकट्ठा कर रही थी, जब सारे विधायकों के साथ मिलने बैठक कर रही थी विधानसभा में, यहीं पर बुलाया गया था, सारे विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे, बिहार में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, जहाँ जहाँ सरकारें थी, जहाँ जहाँ विपक्ष के लोग थे, सभी लोगों ने द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था, और कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे। आप आदिवासी की बात कर रहे ना हमारे अजय भाई, अब आदिवासी शब्द की बात कर रहे ना आप, आदिवासी की बात कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू की बात नहीं कर रहे हम, राष्ट्रपति पद की बात। तो आदिवासी शब्द मत लगाइए, आदिवासी शब्द मत लगाइए ना, आदिवासी शब्द मत लगाइए। हमने उनको राष्ट्रपति बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मेहनत की, समर्थन लिया, और उनके बाद उनको राष्ट्रपति बनाया, तो आज वो देश के राष्ट्रपति हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति नहीं है। संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हो, संवैधानिकता आप संवैधानिकता न बताइए, आप नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, उनके बारे में पूरा देश जानता है किस तरीके से वहाँ बिहार में राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, सबको पता है। बीजेपी के सपनों को साकार करते हुए नीतीश जी काजल की कोठरी में रहते हुए भी बेदाग हैं, उनके कुर्ते में कोई दाग नहीं है। अच्छा, ये तो शासक जैसे बिहार की जनता तय करेगी इस बार आने वाले चुनाव में। ठीक है, काजल की कोठरी में है कि दूध की नदी में है, वो पूरी तरीके से सामने बोलेंगे। एक लाख कुछ बोल रहे थे, मैं बोल क्या रहा था, मैं सुन रहा था, भाई ने कहा कि ये अपने में खो जाते हैं, अपनी बातों में फंस जाते हैं। अच्छा, तो कम से कम आपदा में औसत तो नहीं तलाशते हैं। क्या बात, मैंने उस चीज पे कही थी गौरव भाई कि जब देश में आपदा होती है तब समाजवादी या कोई भी दल ये नहीं देखेगा कि हम अपनी फोटो लगाए, अपनी पार्टी की फोटो लगाए। अगर आप प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार का, देश के लिए अच्छा काम करिए। अब राशन बांटने में कह रहा हूँ, चलिए ठीक है आपने लगा दिया, मेरे भाई ने कहा, विनय पटेल ने कहा कि उस पर खर्चा जा रहा है, ये जनता देखेगी, मगर जब देश में आपदा की बात थी तब समाजवादी पार्टी साथ थी, जिस तरीके से हम मदद करना चाहते थे कर सकते थे, तब आपने फोटो लगाई थी। आदरणीय अखिलेश यादव साहब हो या समाजवादी पार्टी हो, वो उस चीज का विरोध किया है, ना कि आप काम करिए, आप बांटिए लैपटॉप, आप क्यों नहीं बांट देते लैपटॉप, आप लगाइए अपनी फोटो, दीजिए बच्चों को लैपटॉप, समाजवादी एम्बुलेंस चलाएगी, क्या हालत है उसकी आप देखिए, समाजवादी पेंशन चलाई गई, क्या हम अपने घर में पैसा ले जा रहे थे, हम तो उन महिलाओं को पैसा दे रहे थे जो बेचारी पेंशन थी सब बंद कर दिया समाजवादी, जितनी नाम से योजनाएं थी सब बंद कर दिया, जो काम थे उनको बदल दे दिया आपने, रिवर फ्रंट की क्या हालत कर दी आपने, हमारा आगरा एक्सप्रेसवे अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां पे फोटो डालते हैं, अरे आप आगरा एक्सप्रेसवे से जाते, आप देखते कितना शानदार एक्सप्रेस, आज तक कुछ नहीं हो रहा है, आप कई बार सरकार ने बनाए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोग ने देखा, आप क्या बात करते हैं, हम लोग ने स्टेडियम बनाया आपने नाम बदल दिया जी, बनाइए आप स्टेडियम, करिए आप काम,
लखनऊ में कोई भी एक काम करके आप बता दीजिए जो किया हो, सारे काम समाजवादियों ने किए हैं। अभी मौका दूंगा आप हम लोग पे कहेंगे कि चीजें करेंगे। कोविड में भी हम लोग ने हालत देखी, क्या हालत थी समझे, कुछ करने आपदा पे अवसर हम लोग नहीं तलाशते समाजवादी पार्टी। मैं इनको बता देना चाहता हूँ मैं हाँ क्यों, क्योंकि मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है हाँ मुझे तकलीफ है मैं कह तो रहा हूँ मुझे तकलीफ है, मैं चिल्लाऊंगा, मेरी बात सुनिए। जब मेरे देश या प्रदेश का कोई नागरिक ऐसी चीजें परेशान होगा हम चिल्लाएंगे। और फोटो तो हमने झाड़ू कूड़ा डालते हुए झाड़ू घिसते हुए देखी है, लगातार समाजवादी लोग निकले हैं, हमेशा समाजवादी ने मदद की है। ये जो धर्म का चश्मा लगा रखा है आप लोग ने, चश्मा को उतार के फेंक दीजिए और देश और प्रदेश के लिए जो अच्छा काम कर सके उसके लिए फोटो खिंचवाते हैं। कूड़े डाल के कौन फोटो खिंचवाता है, कूड़े डाल के कौन फोटो खिंचवाता है। फोटोजेनिक जो आपकी पार्टी फोटोजेनिक बनी हुई है, काम कुछ मत करो, केवल फोटो खिंचाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ, बस काम हमारा बोल रहा है। लखनऊ में गिनाइए आप, जनता पे धर्म धर्म भारतीय जनता पार्टी चले गए जो धर्म आप कहिए ना कि जनता बेवकूफ है, जनता का वोट नहीं देती। ये आप कह सकते समाजवादी पार्टी कर सकते कर सकते हैं, बोलता है काम कुछ भी ना करो, प्रदेश की जनता से मोहब्बत होती का पद छोड़ देते। अच्छे दिन कहा है उसके बाद दिखाई देते, दिन कहा है अच्छे दिन यही है कि आप बोल रहे हैं आजादी के साथ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बताइए गौरव जी चीजें कैसे करने लिए थे हमको बताइए। आयुष्मान योजना है, इससे पहले तो जंगल था, इससे पहले तो जंगल है, ठीक है, पहला तो जंगल था, हो गया हो गया, विवाह के लिए अनुदान है, कितनी चीजें बताए अच्छे दिन के लिए, ठीक है हो गया हो गया। मैंने पटेल कुछ बोल रहे थे आप, मैंने भाई बोलिए जी बोलिए आपको मेरी आवाज आ रही है जी भाई आम आदमी पार्टी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जयराम भाई कुछ बोल रहे थे जी, जल्दी बोलिए जी। की बात देता हूँ सुनील त्रिपाठी जो हमारे पत्रकार भाई हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा, हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की जब मांग करी थी जी। जब हम सरकार में थे तो हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट इसीलिए मांग करी थी, उसमें पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा, दलित दलित सर्वाधिक दलित बंटवारा हो जाता, तो आज यही जो आपके सामने है जो 1468 जो ग्राम पंचायत अधिकारी का चयन हुआ है, अच्छा। तो आज उन लोगों को अंतिम पायदान में जो बैठे हुए लोग उनको लाभ मिलता, हमारी बात को बुरा लगता है। दूसरी बात, सुनील भाई ने एक बात और कहा पत्रकार के लिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर पत्रकार आयोग की गठन की बात करते हैं, पुलिस की जो है 18-18, 20-20 घंटे पुलिस जो है ड्यूटी देती है उनको 8 घंटे की बात करते हैं, उनके जिले के बगल में उनको जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाए, ये बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, लेकिन सत्ता साधन में जो लोग हैं वो इसको नकारने का काम करते हैं। हम बार बार कह रहे हैं जातिवार जनगणना अगर नहीं होगी तो इस देश में यही नहीं पता लगेगा किस समाज के कितने लोग हैं, और शैक्षणिक आर्थिक राजनीतिक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगा। राम जी, जब क्षेत्रवाद जातिवाद नियुक्तियां मिलती थी उस समय आप क्यों नहीं बोलते थे जी। एक वर्ग विशेष आप सुन तो लो देश में 140 करोड़ की आबादी में एक नेता बता दो जिसने पत्रकार आयोग के गठन की बात किया, बताइए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 140 करोड़ की आबादी में गठन करा दीजिए भाई, पुलिस को लिए यात्रा उसके निकाल लीजिए, मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, हमारी सरकार बनवा दीजिए सुनील भाई सोलदो भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। चुनाव लड़िए, पहले चुनाव लड़िए, जनता
मैं इसीलिए कह रहा हूँ एक सिंगल विधायक जो है मुख्यमंत्री बन सकता है, आने वाला समय उत्तर प्रदेश में वो दिन दूर नहीं है, इसको नोट करिए। आज हमारी बात को आपका हादसा दिखाई देगा, समय बहुत बलवान होता है, ये ध्यान रखिएगा। गौरव भाई जी, आपके माध्यम से मैं बहुत संवेदनशीलता के साथ जी आज के मुख्य विषय पे आना चाहता हूँ। बोलिए भैया। जो देश की जनता ये चाहती है, देश की जनता ये चाहती है कि देश का जो भारतीय संविधान का सम्मान हो, देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान हो, लोकतंत्र का सम्मान हो और भारतीय संविधान का सम्मान हो। हमारे प्रधानमंत्री इसी तरीके से वो मजदूरों का पैर धो लेते हैं जी। तो यहाँ स्थिति ये है जी कि देश का जो सर्वोच्च पद है जी, भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपद का जी, तो या तो इसका उद्घाटन जो स्वयं संसद का एक अंग होता है, राष्ट्रपति जो है संसद का प्रधान अंग है जी, तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति ही भाग लेता है जी, उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करता है संयुक्त अधिवेशन का जी, तो संसद का एक सदस्य होने के नाते, मुख्य व्यक्ति होने के नाते राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन होना चाहिए। या अगर हमारे पीएम चाहते हैं तो उन्हीं श्रमिकों में से जो समाज का अंतिम व्यक्ति जिसको श्रमवीर कहते हैं, श्रम जोगी कहते हैं, उन किसी श्रम जोगी से इसका उद्घाटन कराते तो देश की जनता को अच्छा लगता, आपको और हमको भी अच्छा लगता और हम सब खुशी के साथ इस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते और इस उत्सव को मनाते। सबका सम्मान हो, जनता का सम्मान ना हो। बिहार में आज सरेआम हत्याएं हो रही है, पत्रकार से लेकर के सारे कई लोग मारे गए, उनका बिहार में पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था हो रही है। तो हत्याएं क्यों हो रही हैं? आज मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के लिए अलग से घोषणा किया है, राज हो गया है, उस जनता का सम्मान नहीं होना चाहिए। बाकी जो जनता मेहनत से आप बिहार में मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि पत्रकार लोगों को अलग से व्यवस्था किया जाए, ठीक है, तभी तय हो रही है। बस दो मिनट में बोलिए। फोटो पे बहुत देर चर्चा हो रही है जी, कोई ऐसा बता दिए जब सत्ता में पार्टी आती है। मैंने हैंडबिलो फोटो देखी है, पोस्टर पे देखी है, बैनर पे देखी है, लैपटॉप तो आप बड़ी बात करते हैं। हर सरकार अपना प्रचार करती है, अगर बीजेपी कर रही है तो गलत नहीं कर रही। सपा के हैंडल पोस्टर देख लीजिए, डिपार्टमेंट के चाहे पोलियो देख लीजिए, पोलियो के बैनरों पर मुख्यमंत्री का और स्वास्थ्य मंत्री का चित्र हमेशा छपा रहा है। अच्छा, तो ये एक परंपरा ही बन गई है बिल्कुल सरकार में, जिसकी सरकार आई अपना प्रचार करती है जी, ठीक तो है। मैं भाजपा दोषी न दे रहा हूँ, सपा दोषी दे रहा हूँ, तो हर सरकारें करती है जी। और गौरव जी एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ, गोमती फ्रंट पे आज देख आइए जाके, कुंभी इतनी जल कुंभी हो गई है, कोई भाजपा का आदमी साफ करने वाला उसको नहीं है जी। मैं शमशी से मांग करता हूँ जिस गोमती को गंगा उसको सफाई कराइए, अगर रिवर फ्रंट घोटाले में घोटाला हुआ तो अभी घोटाला सफाई करने भाई जी। भाई जी। समझी भाई कुछ करिए, गोमती की सफाई हम लोग कर लीजिए। हमने गंगा की भी सफाई किया है, जमुना की भी सफाई किया है, सारी बड़ी नदियों की सफाई किया है, स्वीकार है ऐसे राजनीति को और ऐसी अर्थव्यवस्था को, ठीक है, ठीक है। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, यहाँ पर भटक गई थी चर्चा, चली गई थी आरोपों पर, चर्चा चली गई थी फोटो पर, चर्चा चली गई थी यहाँ पर न्याय समिति की रिपोर्ट पर, और चर्चा चली गई थी यहाँ पर व्यवस्थाओं के अनुरूप काम न होने पर। सबसे महत्वपूर्ण बात चर्चा थी आज की कि संसद भवन जो बन गया है, विशाल भवन, ऐतिहासिक भवन, उस ऐतिहासिक क्षण को यानी 28 मई को यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष के बयान भी शुरू हो गए हैं और हायतौबा भी शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई विषय होता है तो उसके लिए अपने आप को संघर्ष करते हुए आंदोलन रद्द करना, ये फिलहाल बात विपक्ष भूल गया है। केवल बायकाट से, केवल चीज़ों से यहाँ काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में आपको दर्द है या आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, और यहाँ पर उद्घाटन देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ संघर्ष भी कर लीजिए। केवल बातों से कुछ नहीं होना है, केवल आदिवासी समाज के लिए, केवल ओबीसी वर्ग के लिए आपका दर्द दिखाना है या दर्द वास्तव में है, ये तो अब नज़र आने वाले समय में आ ही जाएगा।
पर यहाँ पर व्यस्तता यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब चुनाव हुआ था किसी आदिवासी समाज की महिला को वोट तक नहीं दिया गया था, तो विरोध करने वाले लोग कौन थे और समर्थन देने वाले लोग कौन थे। सम्मान सबका जरूरी है, पर सम्मान के साथ एक बात जरूरी है कि अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। और फिलहाल ये व्यवस्था हमारे देश की राजनीति में नहीं है। हमारे देश की राजनीति की, हमारे देश की संस्कृति की आज भी जो थमक है वो पूरे विश्व परिदृश्य में है। वो आज भी हमारे देश के राष्ट्रपति की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें, सभी जगह बराबर सम्मान मिलता है। कारण ये है, भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न संस्कृति का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, और भारत प्रेम का देश है, भारत अपनेपन का देश है। अपनेपन को बनाए रखिए और राजनीति में कम से कम इन जाति वर्गों को मत आने दीजिए। उद्घाटन, सम्मान, अपमान, ये अलग अलग चीज़ें हैं। न उद्घाटन में सम्मान जोड़िए न अपमान जोड़िए, पर कम से कम जो इस योग्य है उससे उद्घाटन जरूर कराइए। अब योग्यता यहाँ पर किसके लिए ज़्यादा है, कौन वरिष्ठ है और किसका पद बड़ा है, ये जनता भी जानती है और शायद हम जैसे खबरनवीस भी जानते हैं। पर चूंकि चर्चा महत्वपूर्ण है, चर्चा करते रहेंगे और जनता की बात उठाते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।